बिल्कुल जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सलामियों का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और इस्लामाबाद में सर्दी का मौसम जो है वो गाहे बगाहे बढ़ना शुरू हो गया है, एंड आई थिंक नाउ द टाइम इज़ फॉर द जैकेट्स एंड एंड व्हाट एल्स। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। शाजिया भाभी कैसी हैं और कैसी तबीयत है आपकी? और इसके साथ साथ आपको पता चलेंगे आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, इस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। अच्छा जी, आज हमने बात क्या करनी है? एज यूजुअल, व्हाट कैन आई टॉक अबाउट? वो क्या है ना, कहते हैं कि मोहब्बत तीन तरह की होती है, तीन तरह की मोहब्बत आपको एक्सपीरियंस होती है लाइफ में, और अगर नहीं हुई है तो फिर ये वो क्या कहते हैं, खुशकिस्मती भी हो सकती है और बदकिस्मती भी हो सकती है। क्योंकि शादी और मोहब्बत के बारे में वैसे ऐसा तनाजुर है कि शादी और मोहब्बत वो चीज़ है कि ज़िंदगी में हो तो भी मसाइल हैं, ज़िंदगी में ना हो तो भी इंसान को कोई किसी पल चैन नहीं आता। तो वो क्या है ना, कहते हैं कि मोहब्बत तीन तरह की होती है। एक वो मोहब्बत होती है कि जो आपको मिला और आपने उस पर इक्तफा कर लिया, और वो मोहब्बत होती है नसीब से मिलती है, वो आपकी शादी भी हो सकती है, कोई आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, और आप बस उसी में खुश हैं कि यार ओके समबडी इज़ लविंग मी एंड दैट्स इट। इसके बाद दूसरे टाइप की मोहब्बत होती है कि जो आपको पसंद आ जाती है, कोई चेहरा, कोई आवाज़, कोई रूह, कोई कुछ भी आपको अच्छा लग जाता है इंसान, और वो इंसान आपको मिल जाए, आपको ज़िंदगी में हासिल हो जाए, वो होती है गुड लक, वो होती है किस्मत। इसलिए सियाने कहते हैं कि नसीब तो अच्छा बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि नसीब अल्लाह की तरफ से जैसा भी हो आपको मिल जाता है। हाँ, किस्मत अच्छी बुरी हो सकती है, क्योंकि वो आपने अपने करतूतों से बनाई होती है, वो आपने अपने अमल से, अपनी सोचों से बनाई होती है। तो यस, किस्मत अच्छी बुरी हो सकती है और किस्मत में अच्छा बुरा हो सकता है। तो इसलिए किस्मत वो होती है कि जो आपको चाहिए हो वो आप हासिल कर लें, तो ये होती है गुड लक। और मज़े की बात यह है कि अगर आप उसको मेंटेन भी कर लेना तो यार ये होती है इंसानियत। ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो चाहा वो आपको मिल गया और उसके बाद आपने स्यापे डाल डाल उसको हाथों से खो दिया और उसके बाद आपका है ही मेरी किस्मत ही बुरी है। बाज़ दफ़ा सिर्फ किस्मत बुरी नहीं होती, करतूत भी बुरे होते हैं इंसान के। अच्छा, एनीवेज, तीसरी किस्म की मोहब्बत होती है आपकी, तीसरी किस्म की मोहब्बत होती है आपकी कि जो आपको मौत तक पहुँचा देती है, और वो बहुत बेरहम मोहब्बत होती है। वो उस ला हासिल की मोहब्बत होती है कि जो आपको पता होता है कि वो इंसान जो आपको पसंद है वो आप वो मिल ही नहीं सकता, और ये मोहब्बत बन जाती है इश्क, जो कि रोग है। उस रोग में से फिर आपने ग्रो होना होता है, उस रोग को सोग बनाना होता है, फिर उस सोग का तोक गले में डालना होता है, और फिर उस तोक को बजा बजा के आपने आगे चलना होता है। और जब आप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो फिर वो इश्क आपकी ज़िंदगी का, आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाता है। और इश्क बड़ा बेरहम है, कख ना चढ़दा पल्ले। तो आज आपको गाने सुनाएंगे मज़े मज़े के। वेल, आपको बताते चले कि यस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में आप सुन तो सकते हैं मुझे। इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर। मुझे लॉग इन कीजिए www.merafm.com पर। एंड आई एम सो टायर्ड एंड आई एम सो हंग्री एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू अबाउट इट, बट आई एम गोना हैव माय कप ऑफ कॉफी सो इट कैन वेक मी अप ब्रिलियंटली। लेट मी चेक माय प्लेलिस्ट। एज यूजुअल देयर इज नथिंग चेंज्ड इन माय प्लेलिस्ट, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। अच्छा जी, गल्ला मिठियां तेरियां, मिठियां मिठियां गल्ला। चलिए जी, क्या याद करेंगे, आपको गाना सुनाते हैं अगर मुझे मिल जाए तो। वैसे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे मिल जाता है। और ये कॉन्फिडेंस आपका तभी आता है ज़िंदगी में कि जब आपने ज़िंदगी में मेहनत की होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि यार नसीबों में अगर कोई चीज़ आपको ना मिले, आप कहोगे यार कोई इंसान या कोई चीज़ आपको पसंद है और वो आपको नहीं मिल रही है, आपके नसीब में नहीं है, तो बड़ी टेंडेंसी होती है उस चीज़ को आपका इश्क बन जाने में, कि वो चीज़ जो आपके नसीबों में नहीं है वो आपके ला हासिल में चली जाती है। और आपका ला हासिल जो है वो, अगर आप लोगों ने बानो कुदसिया का नावल पढ़ा है राजा के, जो मैंने उर्दू का ज़िंदगी में एक ही नावल पढ़ा है, जो मैं वो एक ही नावल, अब नहीं दो नावल पढ़े, एक मुस्तनसर हुसैन तारड़ का प्यार का पहला शहर,
लेकिन वो इट वॉज अ रोम कॉम रोमांटिक वो था पेरिस, इट्स ऑल अबाउट पेरिस. लेकिन जो बानो गुत्सिया का नॉवल था वो था कुछ इंतहा का. अच्छा जी, मैं साथ साथ गाना भी ढूंढ रही हूँ आप लोगों के लिए. अच्छा जी, वो था राजा गिद्ध. और राजा गिद्ध में बानो गुत्सिया ने इस्लाह हासिल मोहब्बत को क्या खूबसूरती से डिफाइन किया. बानो गुत्सिया कहती हैं कि किसी ला हासिल की मोहब्बत में मुब्तला हो जाना दीवानापन है, दीवानगी है, पागलपन है. इंसान किसी ला हासिल की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए तो इंसान फिर इंसान नहीं रहता. इंसान को खुदा से मुलाकात का जो जुनून चढ़ जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिफिकेशन ख़त्म हो जाती है. जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको ना मिले तो रूह जो है वो पागल हो जाती है. अच्छा जी, ये कौन कौन था और क्या था कि जिसने ये गाना गाया है? ओ माई गॉड, आई एम सो हैप्पी आई फाउंड दिस सॉन्ग. If this is the one, okay, let me first check it. I'm not gonna take a risk anymore in my life. No. Okay, let it play. Hit the song. Tere ishq ki intaha chahta hoon, meri saadgi dekh main kya chahta hoon. Aur Iqbal kya hi khoob kehte hain ki tere ishq ki intaha chahta hoon, meri saadgi dekh main kya chahta hoon. और वैसे आजकल तो इश्क की तमन्ना कोई भी नहीं करता. आजकल तो लोग सिर्फ दौलत की, पैसे की तमन्ना करते हैं, चीज़ों की तमन्ना करते हैं. इन चीज़ों की तमन्ना की नहीं जाती है. वो क्या है कि ये वो मर्ज़ है जो खुद ही लाहक हो जाता है. तो चलिए जनाब, आगे बढ़ते हैं और आगे चलकर आपको गाने सुनाते हैं. यस, इन द मीनवाइल आपको बता दी चलूँ कि आप मुझे अपने टेक्स्ट मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं. टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और आज मैं आपको सुनाऊंगी अपने पुराने वाले फोल्डर के गाने. आज मुझे दिल चाह रहा है कि मैं अपने पुराने वाले फोल्डर के गाने सुनूँ. और बड़े ही कोई ख़तरनाक गाने, बहुत ही कोई गहरे और ख़तरनाक गाने हैं. चले जी, सुनाते हैं आपको एक ऐसा गाना. क्यूबी, क्यूबी इज ऑल टाइम माई फेवरेट वॉइस. शी इज़ द वॉइस ऑफ द सोल एंड आई लव हर वॉइस. व्हेन शी सिंग्स अ सॉन्ग ऐसे लगता है कि गाना जिंदा हो गया. तो सुनाती हूँ मैं आपको पंछी. मतलब जनाब, कहते तो हर इंसान ही यही है कि डरना डरना नहीं चाहिए, लेकिन डर किसको नहीं लगता. डरना तो अच्छी बात होती है. वो क्या कहते हैं कि इश्क के गोतों में जाके अगर आप वही कहते हैं कि डर ना लगे तो अलग बात है. और डर को मिटाना अपने अंदर इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है. अपने डर को ओवरकम करना इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है. आई स्टिल रिमेम्बर कि जब आज से 11 साल पहले मैंने 25 दिसंबर 2012 में अपना स्लो जैम्स का पहला शो किया था. तो मेरा पहला शो ही डर पे था. मैं खुद इतनी डरी हुई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँगी क्या. तो वो क्या है कि शुरू शुरू में डरना अच्छी बात होती. अगर आपको प्यार में डर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपको किसी से बात करने में डर लग रहा है, बहुत अच्छी बात है. अगर आपको इजहार करने में डर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपको कोई भी काम करने में थोड़ा सा डर लग रहा है ना, तो डर इज़ अ ह्यूमन फैक्टर. किसी भी काम में और हर सही काम में आपको डर लगता है. ये तो गलत काम होते हैं जिनको हम कहते हैं ओ बे डर होके और बेबाक होके हम कर जाएं, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि हर अच्छा काम करते हुए इंसान हजार दफ़ा सोचता है. और जब हमने कोई बुरा काम करना होता है तो हम झट से कर लेते हैं. तो क्या बात कर रही थी मैं वैसे, या आई डोंट नो. वेल, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं कि अब मैं अगला गाना कौन सा सुना रही हूँ. मैं आपको अगला गाना सुना रही हूँ. तो क्या है कि या तो कोई भी काम करने से के लिए आपको अपने डर को खुद मिटाना और डर से जीतना बहुत ज़रूरी है. सही कहते हैं यार, डर के आगे ही ज़िंदगी है. और वो एक डर ही होता है जो इंसान को रब से मिलाता है. क्योंकि अगर इंसान को लगा भी डरना होता ना, तो हम और आप इंसानों से तो हम डरते ही नहीं हैं. हमें सिर्फ इस चीज़ से डर लगता है कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए. हम गलत काम करने से नहीं डरते, हम सिर्फ लोगों को पता चल जाने से डरते हैं. क्योंकि गलत वो नहीं है जो गलत काम कर रहा है आजकल के ज़माने में, गलत वो है जो पकड़ा जाता है. जो सही बात है, वरना आप कर लो छुप छुप के, कोई मसला नहीं है, लोग आपको अच्छा समझेंगे, खैर है. लेकिन जहाँ आप पकड़े गए वहाँ बुरे होते हैं. सो बद से बदनाम बुरा. अच्छा जी, अगला गाना आपको मैं सुना रही हूँ. नेड़े नेड़े बस वे ढोला मैं तेनू प्यार. बड़े घड़ोड़ घड़ोड़ के गाना गाया है ये इसने.
I like this song, by the way. Stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. बिल्कुल जनाब, वापस आ चुके हैं हम. और सही बात है यार, इट्स नो फन बीइंग अलोन, इट्स फन टू बी टू. और वाकई ज़िंदगी का जो असल मज़ा होता है वो कंपनी में होता है, साथ में होता है. और मज़े की बात ये है कि अगर आपको किसी, लोग पूछते हैं कि यार सफ़र कैसे हसीन होता है, सफ़र मंजिलों से हसीन होता है या रास्ता हसीन होना चाहिए. ना सफ़र मंजिलों से हसीन होता है और ना सफ़र रास्तों से हसीन होता है, सफ़र हम सफ़र से हसीन होता है. हम सफ़र आपका हसीन हो तो आपका सफ़र हसीन होता है. या दिस प्रेशियस नेकलेस, आई लव इट. और ये नेकलेस मेरे पास पिछले पिछले कितने सालों से है, आई मीन आई थिंक 10 साल तो हो गए, 10-12 साल हो गए. जो चीज़ें मुझे ज़िंदगी में पसंद है ना, वो मेरे साथ चलती हैं. अच्छा जी, आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट देती चलूँ. आज फुल मून, न्यू मून आ चुका है स्कॉर्पियो में. और ये वाला नवंबर का जो महीना है, बहुत ख़तरनाक महीना, बहुत ख़तरनाक टाइम शुरू हो चुका है. तो इसलिए आप लोगों को बताती चलूँ कि बी अवेयर ऑफ़ द फाइट्स, बी अवेयर ऑफ़ द कॉन्फ्लिक्ट्स, बी अवेयर ऑफ़ द स्ट्रेस, बी अवेयर ऑफ़ द डिप्रेशंस. बहुत डीपनिंग स्ट्रेस, डिप्रेस्ड वाला टाइम है, बिकॉज दिस न्यू मून इज़ इन स्कॉर्पियो. और जब स्कॉर्पियो की हम बात करते हैं तो स्कॉर्पियो की दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें हैं. एक तो स्कॉर्पियो इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ. और दूसरी चीज़ स्कॉर्पियो की है कि स्कॉर्पियो हैज़ अ वेरी टॉक्सिक एनर्जी. तो जब ये दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक साथ आ जाती हैं कि आप टॉक्सिक हो जाते हैं और आपको किसी चीज़ का गम लाहक हो गया और आप उस गम से बच ही नहीं पा रहे हैं. और जो आजकल मैं लोगों को देख रही हूँ अपने आसपास, आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है. वो तो इसलिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त, इस लम्हे तक, इस लम्हे में अगर आप किसी सही इंसान के साथ नहीं हैं, अगर आप सही काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने सही पाथ पे नहीं हैं, अगर आपने अपना ट्रू सेल्फ अभी तक एक्सप्लोर या अभी तक आप उसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, अभी तक आप रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल नहीं बने अपनी चीज़ों के लिए, तो डूड, यू आर गोइंग टू बी डेड एंड यू हैव टू रीबॉर्न अगेन विद अ न्यू सेल्फ विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी happening in Gemini. Yes, this month is very, मैं कहूँगी पूरा total opposite है, because Scorpio is the deepest of the energies and the Gemini is the highest of the energies. So Scorpion energy अभी आज start हो गई है. 13 November को new moon आ चुका है और 27 November को Gemini में full moon आने वाला है. So beware of these, ये वाला जो भी time है, ये बहुत crucial time है. ये टाइम आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ये टाइम आपकी ग्रोथ का टाइम है. दिस इज़ नो टाइम टू थिंक अबाउट एनीबडी एल्स, आई एम टेलिंग यू. अगर आपने किसी का गम दिल से लगाया हुआ है तो यू आर गोइंग टू बी डेड सून. अगर आपने किसी की टॉक्सिसिटी को अभी तक अपने अपने दिल से, कलेजे से लगा के उसके गम में बैठ कर और तसव्वुरे यार में डूबे हुए हैं, तो डूड, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. तो इट्स टाइम टू कट द ऑल द कॉर्ड्स फ्रॉम द टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ. इट्स टाइम टू कट ऑल द bad and ugly things in your life. ye kaun aa gaya mere show mein, big mods. No, I'm not at vacuum trust complex right now. I'm in my studio and I'm not gonna reveal where my studio is, okay? So ye jo Scorpio se Gemini tak ka safar hai, ye bahut hi sakht hone wala hai. तो आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, क्योंकि मैं तो नहीं रख सकती और कोई किसी का ख्याल नहीं रख सकता. बिकॉज आपकी जो इनर ग्रोथ होती है, जो इनर सेल्फ है, वो लोग आपकी पैसे से मदद कर सकते हैं या कर सकते हैं, और लोग आपकी हाथ से मदद कर सकते हैं, लोग आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं. पर वो क्या है कि ये हाथ आपके अपने हैं और इन हाथों से आपने कमाल खुद करना है. वो क्या है कि अपने अपने हिस्से के सजदे खुद अदा करने पड़ते हैं, वरना रब भी नहीं मानता. तो अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी पड़ती है, वरना यार भी नहीं मिलता. तो वो क्या है कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है. सिर्फ बातें कर लेने से मोहब्बत हासिल नहीं हो जाती, बातें कर लेने से कामयाबी हासिल नहीं हो जाती. रातों की नींद बर्बाद करनी पड़ती है, दिन का चैन खोना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके आपको ज़िंदगी में वो मिलता है जो आपको चाहिए. तो अगर इन दिनों में आपकी रातों की नींद उड़ी हुई और दिल का चैन उड़ा हुआ, यार इसका कार्बन तो साफ कर दो, बेचारा जो चलने फिरने के भी काबिल नहीं रह गया. हाँ, ये बहुत दुखी गाना है, बहुत दुखी गाना. नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगी आपको दुखी गाना, तो मैंने सुनाने नहीं है. आप लोगों को मैं आज ऐसा गाना सुनाने वाली हूँ कि जिसको सुनकर आप लोगों को अपना बचपन याद आ जाएगा. सो दिस वॉज माई चाइल्डहुड मेमोरी सॉन्ग.
और ये गाना उस वक्त हमारे जब चाचाओं की जवानी थी, तो ये गाना उस वक्त हिट हुआ था और पॉपुलर हुआ था. एंड गाना बजेगा एंड यू विल गेट इट. दिस इज मेरा एफएम 107.4.